दोस्तों, हमारे किचन के अंदर मुख्तलिफ खाने के बर्तन दस्तयाब होते हैं जो सब कुदरती मादों की बदौलत बनाए जाते हैं। मसलन स्टील एंड स्टील, जो कि एक कुदरती कंपाउंड है और इसके बर्तन बनाए जाते हैं। इसी तरह कुदरती रेत की बदौलत ग्लास या सरामिक्स यानी चीनी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो ज्यादातर खानों के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मट्टी, जो कुदरती तौर पर पाई जाती है, इसके भी बर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और यही कुदरती मादों के जरिए बनाए जाने वाले बर्तन इंसान सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा था। मगर 1907 में लियो हेंड्रिक नाम के एक अमरीकी शख्स ने पहली बार प्लास्टिक को लेबोरेटरी में तैयार किया, जिसे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मादों को, जो कार्बन पर मुश्तमिल हो, पिघलाकर और अपनी मनचाही शक्ल में बदल कर तैयार किया जाने लगा। याद रहे कि प्लास्टिक कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, बल्कि इसे खुद से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। प्लास्टिक की तैयारी के दौरान बहुत से ऐसे मादे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कीमियाई तौर पर बहुत खतरनाक हैं। इसी प्लास्टिक के जरिए तैयार करता बर्तन हम आजकल अपने किचन में तकरीबन हर खाने की जगह पर देखते और इस्तेमाल करते हैं। इन कीमियाई मादों में सबसे ज्यादा खतरनाक मादा बाइसेफनल ए कहलाता है, जिसका कीमियाई फार्मूला C15H16O2 कहलाता है। इस मादे का खोज सबसे पहले वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर पैट्रिका हंट ने सबसे पहले लगाया, जब वो अपनी लेबोरेटरी में चूहों के तौलीदी निजाम पर रिसर्च कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तजर्बात के नतीजे इनकी उम्मीद के मुताबिक आ रहे थे। मगर जब इनके आखिरी तजर्बे की बारी आई तो नतायज अचानक बिल्कुल मुख्तलिफ आना शुरू हो गए, क्योंकि 40% चूहों के इंटरनल एग्स, जो तौलीदी निजाम में किरदार अदा करते हैं, वो खराब होना शुरू हो गए थे। इस चीज ने पैट्रिका को एक शदीद उलझन में डाल दिया कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। बहुत ज्यादा तहकीकात और हर चीज की बारीक बीनी से छानबीन करने के बाद आखिरकार वो ये पता लगाने में कामयाब हो गई कि इनकी लेबोरेटरी में सफाई करने वाले शख्स ने लेबोरेटरी की सफाई के दौरान एक केमिकल इस्तेमाल किया था, जिसे इसने चूहों के पिंजरों और इनके पानी पीने की प्लास्टिक की बोतलों और खाने के बर्तनों की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया। इस सफाई करने वाले नमकीन मादे ने जब प्लास्टिक के मादों के साथ रिएक्शन किया तो एक जहरीला मादा पैदा हुआ, जिसे बाइसेफनल ए कहा जाता है और इसे शॉर्ट टर्म में BPA भी कहा जाता है। यही BPA खानों के बर्तनों की बदौलत चूहों के जिस्म में दाखिल हुआ, जिसने 40% चूहों के तौलीदी निजाम को तबाह करके रख दिया। इन इंकशाफात ने इन्हें हिलाकर रख दिया और यूं पहली बार दुनिया को मस्नूई प्लास्टिक की बदौलत तैयार किए जाने वाले जहरीले मादों के नुकसान का इल्म हुआ, जो खामोश कातिल बनकर इंसानों के खानों में शामिल होकर तरह तरह की लाइलाज बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। दोस्तों, प्लास्टिक जैसे ही मार्केट में मुतारिफ हुआ तो फौरन ही इंडस्ट्री में फैल गया, क्योंकि ये बाकी कुदरती तौर पर तैयार करता बर्तनों से काफी सस्ता था और इसकी एक वक्त में बहुत सी कापियां तैयार की जा सकती थी। लिहाजा प्लास्टिक इंडस्ट्री ने इसके जरिए बहुत ज्यादा पैसा कमाया और लोगों ने बिना इसके फवायद और नुकसान जाने इन प्लास्टिक के बर्तनों को और प्लास्टिक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1930 में बकायदा प्लास्टिक पर एक रिसर्च की गई कि क्या प्लास्टिक इंसानों की सेहत के लिए ठीक है या इसके कोई पुशीदा नुकसानात हैं। इस रिसर्च के रद्देअमल के तौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्री ने एक मुहिम चलाना शुरू कर दी, जिसमें बताया गया कि प्लास्टिक की तैयारी और इसका इस्तेमाल बिल्कुल सेफ है और इसके कोई पोशीदा नुकसानात इंसानी सेहत पर नहीं है। यूं मामला वक्ती तौर पर दबकर रह गया और मजीद तहकीकात इस मामले पर बंद हो गई। 1945 में माइक्रोवेव ओवन ईजाद हुआ, जिसे 1970 में मार्केट में आम लोगों को फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया और लोगों ने इसे खाने की तैयारी में और खाने को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर हम तारीख का जायजा लें तो 1980 में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी फैलना शुरू हुई, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ती ही चली गई और अब तक कम ना हो सकी। पेशेंटगोइयों के मुताबिक आने वाले वक्तों में हर तीसरे शख्स को कैंसर जैसा जानलेवा मर्ज लाहिक होगा। मगर यहाँ सवाल यह है कि आखिर 1980 में ऐसा क्या हुआ जो कैंसर जैसा मर्ज इतनी तेजी से फैलना शुरू हो गया। दरअसल इसकी एक सबसे अहम वजह प्लास्टिक के बर्तनों का माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल है, क्योंकि जब प्लास्टिक के बर्तनों को साइंसदानों ने माइक्रोवेव ओवन में रखकर मुख्तलिफ तजर्बात किए तो ये हैरानकुन इंकशाफात सामने आए कि प्लास्टिक में मौजूद बाइसेफनल ए केमिकल का एक जरा बॉइलिंग प्वाइंट पर या ओवन में शदीद गर्म होने पर 55 जरों में तकसीम हो जाता है, जो इंसानी जिस्म में जाने पर लातदाद जानलेवा बीमारियों का सबब बनता है। साइंसदानों ने इस चीज पर मजीद तहकीकात करने के लिए चिंपैंजीज पर भी तजुर्बात किए तो पता चला कि BPA की थोड़ी सी मिकदार भी 3 नस्लों तक अपना असर छोड़ती है।
और इससे फैलने वाली बीमारियों में सबसे ज्यादा अहम तरीन बीमारियां कैंसर, शुगर, मोटापा, बच्चों का जहनी तौर पर कुंद हो जाना, बांझपन और बच्चों का वक्त से पहले जवान हो जाना सरे फहरिस्त है। वाजे रहे कि पाकिस्तान में तकरीबन 71 लाख लोग डायबिटीज, 8.5 लाख लोग सालाना कैंसर का शिकार होते हैं और ये तादाद वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, इस बीपीए नामी मादे पर अमेरिका में इंसानों के यूरिन को लेकर तजुर्बात किए गए और जब नतायज सामने आए तो पता चला कि 93% लोगों के यूरिन में बीपीए की मिकदार नॉर्मल मिकदार से ज्यादा आ रही है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन थी। लिहाजा अमेरिकन ने प्लास्टिक को महफूज दिखाने का एक स्टैंडर्ड स्केल ईजाद किया और इसे बीपीए फ्री प्लास्टिक का नाम दिया गया, जो कि एक टैग हुआ करता है जिस पर बीपीए फ्री लिख दिया जाता है। और ऐसी प्लास्टिक में जिनमें बीपीए की मिकदार ज्यादा होती है, मसलन बच्चों के खिलौने, पानी की बोतलें और सीडीज वगैरह को अमेरिका से खत्म किया जा रहा है। ऐसी बीपीए फ्री प्लास्टिक जो खतरनाक मादों पर मुश्तमिल नहीं होती और इसे बिला झिझक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी पहचान का तरीका एक ट्रायंगल है जिसमें मुख्तलिफ नंबर देखे जा सकते हैं। हर प्लास्टिक पर इसकी क्वालिटी के हिसाब से ट्रायंगल बनाकर एक नंबर दे दिया जाता है। 2, 4 और 5 हिस्सों पर मुश्तमिल प्लास्टिक को महफूज प्लास्टिक कहा जाता है, जो कि बीपीए फ्री प्लास्टिक होता है और काबिल इस्तेमाल होता है। इसे आप शॉर्ट टर्म में 245 हिस्से से भी याद रख सकते हैं, जबकि इनके अलावा जो भी नंबर किसी प्लास्टिक को असाइन किए जाएंगे वो सेफ प्लास्टिक नहीं होगा। आप जितनी भी इंटरनेशनल तौर पर बनी अच्छी प्लास्टिक का मुआयना करेंगे तो वहां आपको ये सेफ हिस्से देखने को मिलेंगे, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोगों को इससे मुतल्लिक बहुत कम शऊर है, लिहाजा वो प्लास्टिक खरीदते वक्त इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, क्योंकि जाली प्लास्टिक और खसूसन कॉस्मेटिक्स के लिए बनी प्लास्टिक पर ये महफूज इनसे मौजूद नहीं होते। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब भी आप कोई प्लास्टिक खरीदें तो बीपीए फ्री को जरूर मद्देनजर रखें। इसके अलावा अगर कोई बीपीए पर मुश्तमिल प्लास्टिक पहले से आपके घर में मौजूद हो तो इसे घर से निकाल बाहर करें। प्लास्टिक को माइक्रोवेव में हरगिज इस्तेमाल न करें। बच्चों के खिलौनों वाली प्लास्टिक को बच्चों से दूर रखें और दोबारा से स्टील या स्टील, मिट्टी और चीनी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू करें, ताकि आप भी मुस्तकबिल में ऐसी जानलेवा बीमारियों से बच सकें। इस वीडियो को अपने तमाम घर वालों और तमाम चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर अमल कर सकें। जिस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है, आपकी शेयर करता हर वीडियो से ये पैगाम हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचेगा, जिसके नतीजे में एक सेहतमंद माशरा परवान चढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी कहावत जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।